लिए देख रहे हैं एमएनएस न्यूज पर। देखते आज की कुछ खास खबरें। संवेदनशील जगहों पर रहेगा तगड़ा बंदोबस्त। भंडारा तुमसर एवं साकोली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव के दौरान अनुचित घटना होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला पुलिस प्रशासन ने कड़ा बंदोबस्त तैनात किया है। जिले में कुछ मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आते हैं। इनमें से कुछ मतदान केंद्र संवेदनशील होने की वजह से कुछ जगह कड़ा बंदोबस्त तैनात किया जाएगा। जिले के कार्यरत कर्मचारियों की संख्या बल अधूरी है, जिससे बाहर से पुलिस बुलाई जाएगी। इसमें सीआरपीएफ जवानों का भी समावेश होगा। मोबाइल टीम का गठन। चुनाव के दौरान जिले की शांति व सुव्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से विभिन्न उपाय योजना किए जा रहे हैं। पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ जिले में स्थिर सर्वेक्षण टीम एवं मोबाइल टीम की निर्मिति की गई है। इसमें राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ पुलिस कर्मचारियों का भी समावेश है। भंडारा क्षेत्र की मतगणना लाल बहादुर विद्यालय में होंगी। मतदान के पश्चात स्ट्रांग रूम में रखे जाने वाले ईवीएम की सुरक्षा के लिए कड़ा बंदोबस्त रहेगा। जिले के 17 गांव नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आते हैं। इसमें भंडारा विधानसभा क्षेत्र व साकोली के केंद्र का समावेश है। इस केंद्र की ओर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। शासकीय आवास बना अय्याशियों का अड्डा। सड़क अर्जुनी तहसील में वन कर्मचारियों के लिए लाखों की निधि खर्च कर तैयार किए गए शासकीय निवास स्थान में कर्मचारी रहते नहीं हैं, जिससे निवास स्थान शौकीनों के अड्डे बन गए हैं। इसमें शराबी और जुआ खेलने वालों की गतिविधियां बढ़ गई है। इन निवास स्थानों की दुरुस्ती कर कर्मचारियों की व्यवस्था करने की आवश्यकता है। इस वजह से असामाजिक तत्वों का रहता है जमघट। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब फिलहाल वक्त चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहें एमएनएस न्यूज के साथ। नमस्कार।